हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेसलिंग बादशाह। मैं हूं यश। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे द बिग डॉग रोमन रेंस के न्यू लुक एंड न्यू एंट्रेंस थीम के बारे में एट क्लैश ऑफ चैंपियंस। और क्या द ब्रॉन्ज रोमन बनने वाले हैं हमारे न्यू WWE चैंपियन बहुत जल्द। ये सारी बातें हम करेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इसे एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों, पहले बात करते हैं रॉ के रेटिंग्स के बारे में। दोस्तों, कल का जो रॉ था वो था गो होम शो फॉर क्लैश ऑफ चैंपियंस, और इस शो में हमें काफी अच्छे अच्छे थिंग्स देखने मिले, बट रेटिंग्स स्टिल बढ़ी नहीं है। रॉ को एवरेज मिले हैं 1.667 मिलियन व्यूअर्स। रॉ को फर्स्ट आवर में मिले हैं 1.746 मिलियन व्यूअर्स। रॉ को सेकंड आवर में मिले हैं 1.692 मिलियन व्यूअर्स एंड रॉ को थर्ड आवर में मिले हैं सिर्फ 1.565 मिलियन व्यूअर्स। तो दोस्तों, ये काफी बैड साइंस है रॉ के लिए। विंस को कुछ ना कुछ करना होगा, स्टार पावर लानी होगी ताकि रॉ के रेटिंग्स और भी बढ़ जाए। तो लेट्स सी विंस क्या करते हैं रॉ की रेटिंग्स बढ़ाने के लिए नेक्स्ट वीक ऑन रॉ। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट बड़ी अपडेट के बारे में जो जुड़ी है द रॉक एंड रोमन रेंस से। दोस्तों, जैसे आपको बताया कि रोमन रेंस ने हील टर्न ले लिया है, और रॉक वर्सेस रोमन रेंस की जो मैच है वो काफी बन रही है सिंस अ लॉन्ग टाइम। ये मैच नेक्स्ट ईयर के रेसलमेनिया में होने के काफी चांसेस है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर के रेसलमेनिया की थीम है हॉलीवुड। तो दोस्तों, रिसेंटली रॉक का एक इंटरव्यू हुआ हीरम गार्सिया के साथ, और वो क्लिप उन्होंने अपलोड की है अपने YouTube चैनल पर, और रॉक ने पॉसिबिलिटी बताई है कि क्या वो फेस करना चाहते हैं रोमन रेंस को बहुत जल्द। तो यहाँ पर रॉक ने ये कहा कि काफ़ी लोग पूछते हैं कि अगर तुम्हें रेसलमेनिया में जाना है और एक ओपोनेंट पिक करना है तो तुम किसे फेस करोगे। तो रॉक ये कहते हैं कि रोमन रेंस को इस टाइम पर फेस करना ये राइट होगा एंड सेंस बनाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ड्रॉ करेगा ये मैच एंड ये फ्यूड। और दोस्तों, रॉक ने तो ये भी कहा कि वो रोमन रेंस से जब रेसलमेनिया में फाइट करने आएंगे तब वो काफ़ी सोच समझ कर आएंगे, क्योंकि उन्हें बहुत सारे मैचेस नहीं करने हैं, क्योंकि उनका हॉलीवुड करियर भी है, और बहुत सारे अगर मैचेस वो करेंगे तो वो इंजर्ड हो सकते हैं। और WWE में ऐसा ही होता है कि अगर आप एक मैच करने आते हो तो WWE आपको बहुत सारे मैचेस कराते हैं। तो रॉक ने ये कहा, प्लस रॉक ने ये भी कहा कि वो काफ़ी ऑनर्ड फील करेंगे रोमन रेंस के साथ मैच करने के लिए, और उसके बाद फिर मैच के बाद रोमन रेंस का हैंड रेस करने के लिए भी वो काफ़ी ऑनर फील करेंगे। तो दोस्तों, इट्स अ स्ट्रॉन्ग साइन कि रॉक वर्सेस रोमन रेंस की मैच हमें देखने मिल सकती है बहुत जल्द, मे बी एट रेसलमेनिया 37, हु नोस। तभी अगर ये पैंडेमिक खत्म होता है COVID-19 का, तो हमें पूरा क्राउड भरा हुआ देखने मिल सकता है एट रेसलमेनिया 37, और हमें देखने मिलेगी रॉक वर्सेस रोमन रेंस की बहुत बड़ी ड्रीम मैच इन फ्रंट ऑफ थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट बड़ी अपडेट के बारे में जो जुड़ी है द मॉन्स्टर अमंग मैन ब्रॉन स्ट्रोमैन से। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन आउट ऑफ नोवेयर आ चुके हैं रॉ ब्रांड में, और वो कम्पीट कर रहे हैं रॉ अंडरग्राउंड में, और कल के रॉ में उन्होंने हरा दिया डाबा कैडो को। सो इट सीम्स लाइक मे बी ब्रॉन स्ट्रोमैन अब आ चुके हैं रॉ ब्रांड में। और दोस्तों, ब्रॉन स्ट्रोमैन ने रॉ में डाबा कैडो को हराने के बाद एक ट्वीट भी सेंड किया है, और उन्होंने लिखा है कि वो केयर नहीं करते कि तुम कौन हो और कितने बड़े हो, पर मैं ये चीज़ प्रॉमिस करता हूँ दैट यू डोंट वांट दीज हैंड्स #, मॉन्स्टर्स आर रियल। दोस्तों, यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमैन ने एक टाइप से सबको चैलेंज दे दिया है, धमकी दे दी है कि अगर उनके सामने कोई भी आएगा वो उन्हें तोड़ के रख देंगे। तो दोस्तों, अब जब ब्रॉन स्ट्रोमैन आ चुके हैं रॉ ब्रांड में, उसके कुछ रीजंस हो सकते हैं। अगर ड्रू मैकइंटायर रिटेन करते हैं अपना चैंपियनशिप एट क्लैश ऑफ चैंपियंस, तो उनके लिए कोई भी सुपरस्टार नहीं है उनके लेवल का जो उन्हें फेस कर सके एज अ हील। तो दोस्तों, इसलिए ब्रॉन स्ट्रोमैन को स्मैकडाउन टू रॉ बुलाया गया है ताकि वो बन सके ड्रू मैकइंटायर के फ्यूचर अपोनेंट। और अगर आपको याद होगा तो थोड़े टाइम पहले ड्रू मैकइंटायर एंड ब्रॉन स्ट्रोमैन के बीच में कुछ शॉट्स फायर हुए थे कुछ टाइम पहले। तो ऐसे में भी ये राइवलरी बिल्ड हो रही है, और बहुत जल्द हमें देखने मिलेगी ड्रू मैकइंटायर एंड ब्रॉन स्ट्रोमैन की राइवलरी। और अगर ब्रॉन स्ट्रोमैन जीते हैं तो वो हमें देखने मिल सकेंगे WWE चैंपियन। सो लेट्स सी विंस क्या चाहते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ, क्या उन्हें वो बनाते हैं WWE चैंपियन, और आप लोग क्या चाहते हैं, क्या ब्रॉन स्ट्रोमैन को आप देखना चाहेंगे WWE चैंपियन एंड ड्रू मैकइंटायर नेक्स्ट ओपोनेंट। चलिए अब बात करते हैं मेगा अपडेट के बारे में जो जुड़ी है द बिग डॉग रोमन रेंस के न्यू लुक एंड न्यू एंट्रेंस थीम से, जो वो डेब्यू कर सकते हैं एट क्लैश ऑफ चैंपियंस। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि 2012 से ही रोमन रेंस जो है वो अपने स्वॉट लुक के साथ आ रहे हैं एक वेस्ट पहनकर,
और अब जब वो हील बन चुके हैं तब टाइम आया है कि उनका एंट्रेंस थीम भी चेंज हो जाए एंड चेंज हो जाए उनका लुक। दोस्तों रोमन रेंज का इंटरव्यू हुआ मेनिया क्लब के साथ और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात रिवील की है। रोमन ने ये कहा है कि उनके प्लान्स चल रहे हैं कि वो जो उनका स्पॉट लुक है जो वेस्ट वाला लुक है वो कैंसिल करने वाले हैं, विच मीन्स दैट रोमन रेंज निकालने वाले हैं अपना वेस्ट कम्प्लीटली। प्लस रोमन रेंज ने ये भी कहा है कि वो प्रॉमिस करते हैं कि वो रेसल करेंगे अपना टी शर्ट निकाल कर सिर्फ पैंट्स में एट क्लैश ऑफ चैम्पियंस अगेंस्ट हिज कजिन जे उसो। और मैं काफ़ी काम कर रहा हूँ मेरी बॉडी पर, मैं क्या कोई बड़ा बॉडी बिल्डर नहीं हूँ, बट स्टिल मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं वहाँ पर जा सकता हूँ इन फ्रंट ऑफ द मिलियंस और मैं दिख सकता हूँ एक स्कैरी लुकिंग एथलीट एंड गॉड ब्लेस माई कजिन क्योंकि मैं उसे काफ़ी हर्ट करने वाला हूँ। तो दोस्तों जैसे आपको पता है कि रोमन रेंस ने अपने बॉडी पर काफ़ी काम किया है और अब वो और भी ज़्यादा मस्क्यूलर लग रहे हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्लैश ऑफ चैम्पियंस में द बिग डॉग रोमन रेंस आए शर्टलेस, वो सिर्फ पैंट्स में आ सकते हैं और रेसल कर सकते हैं अपने कजिन जे उसो के साथ। और ऐसे हमें रोमन रेंस का गियर चेंज होते हुए दिख सकता है इन दिस 8 ईयर्स। और दोस्तों रिंग गियर के साथ ही रोमन रेंस का चेंज होने वाला है एंट्रेंस थीम। रोमन ने यह कहा है कि म्यूजिक सिलेक्ट करने के लिए काफ़ी टाइम जाएगा और हमें स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए, तो हमें काफ़ी सारे चैनल्स देखने होंगे और फिर जाकर एक न्यू तगड़ा म्यूजिक बनेगा। मैं एक फुल टाइम परफॉर्मर हूँ इसलिए मुझे थिंग्स काफ़ी फ्रेश रखने हैं और इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि म्यूजिक मुझे चेंज करना चाहिए। तो फिर डाउन द लाइन या फिर इन द नियर फ्यूचर जैसे जैसे ड्रास्टिक थिंग्स होते रहते हैं और स्टोरी अनफोल्ड होती है तभी मेरा म्यूजिक चेंज होने की काफ़ी पॉसिबिलिटी है। तो दोस्तों रोमन रेंस का ये कहना है कि म्यूजिक बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम जाएगा क्योंकि उसमें बहुत मेहनत है, तो जैसे जैसे स्टोरी लाइन ज़्यादा इंटेंस होती जाएगी और रोमन रेंस को थोड़ा सा टाइम जाएगा टू बी अ हील पर्सोना, तो फिर वो ला सकते हैं अपना न्यू एंट्रेंस थीम सॉन्ग, क्योंकि आपको पता ही है कि रोमन रेंस शील्ड का ही म्यूजिक यूज़ कर रहे हैं विदाउट द इंट्रो और वो एक फुल टाइम परफॉर्मर है, तो उन्हें थिंग्स फ्रेश रखनी है और वो ला सकते हैं इसलिए न्यू एंट्रेंस थीम, और यही बात रोमन रेंस ने कन्फर्म की है। तो फिर हमें देखना होगा कि कैसी होती है रोमन रेंस की एंट्रेंस थीम और कैसे दिखते हैं वो न्यू गियर में। प्लस हमें ये भी देखना होगा कि क्या न्यू गियर प्लस न्यू थीम ये दोनों चीज़ क्या वो क्लैश ऑफ चैंपियंस में डेब्यू करते हैं या फिर आगे के किसी पेपर व्यू में या किसी शो पर। दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए फर्स्ट क्या आप एक्साइटेड हैं रॉक वर्सेस रोमन रेंस के मैच के लिए एट पॉसिबली रेसलमेनिया। सेकंड क्या आप ब्रॉन स्ट्रोमैन को देखना चाहेंगे न्यू WWE चैंपियन। एंड थर्ड आप कितने खुश हुए ये जानकर कि रोमन रेंस अपना लुक चेंज करने वाले हैं और नया थीम म्यूजिक लाने वाले हैं। सो गाइस प्लीज 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 लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल रेसलिंग बादशाह। पीस आउट।